ये सुविशाल ब्रह्मांड का रचना हुआ था 13.8 अरब साल पहले एक महाविस्फोट या बिग बैंग के कारण। विशालाकार ये ब्रह्मांड में हमारा धरती का संरचना हुआ था आज से करीब 4.6 अरब साल पहले। अनंत ये ब्रह्मांड में धरती का अहमियत एक कण या बिंदु बराबर भी नहीं है, लेकिन हमारे लिए बात कुछ खास है। ये बिंदु असल में हमारा घर है, जिसका पता है सौर जगत। ये घर है हमारा और ये हम है। इसमें रहते हैं हर वो इंसान जिनको आप प्यार करते हैं, जिनको आप जानते हैं, हर वो इंसान जिनके बारे में हम सुने हैं आदि मानव से लेके सभ्य दुनिया तक, यहाँ वो आपने ज़िंदगी बिताए है और यहाँ के धरती में मिट गए हैं। यहाँ है हजारों सोच और संस्थान, इसके हवा पानी और मिट्टी में है कहानी। ये सुनाता है इतिहास, यहाँ लड़े गए हैं कितने जंग, रचयिता से लेके संहारक तक, राजा से लेके प्रजा तक, कुछ प्यार की कहानी तो कुछ जुदाई का। हर एक खोज और आविष्कार से लेके हर एक आज़ादी और राजनीति, नायक से लेके तानाशाह, मानव यही गाथा है। क्या आज फिर से ये मिट जाने वाले हैं समय की इस लहर में? आज से करीब 3.5 अरब साल पहले जिंदगी पनप उठा था धरती के गोद में। डायनासोर जैसा ताकतवर और शक्तिशाली जीव भी राज किया धरती में 200 मिलियन साल पहले। लेकिन आज से लगभग 6.5 मिलियन साल पहले हुआ एक महासंहार, विलुप्त हो गया डायनासोर और ध्वस्त हो गया धरती के जिंदगी एक उल्का पिंड के टकरार के वजह से। धरती तो तभी भी घूम रहा था, जिंदगी थाम सा गया था, लेकिन जिंदगी अपना हौसला कहाँ खोने वाला था। उसको तो तय करना था क्रम विकास यानी इवोल्यूशन का लंबा यात्रा। फिर से जाग उठा था जिंदगी 63 मिलियन साल पहले तनपाई जीव के रूप में। जीवन की किलकारी में खिल उठा था प्रकृति, जिंदगी रंग और रूप नई नई ऊंचाई छू रहा था। इस बीच में 1.4 मिलियन साल पहले जन्म लिया पहला मानव। अपना सोच और बुद्धि से तेज रफ्तार से आगे बढ़ता गया मानव का इतिहास। जीवन के इतिहास में कुछ पन्ना पलटने वाला था। पत्थर से शस्त्र बनाना सीखा, आग जलाना सीखा और धीरे धीरे आगे बढ़ता गया विज्ञान और प्रजुक्तियों को लेके। आदि मानव धीरे धीरे बन रहा था आधुनिक मानव। पैदल चलने वाला इंसान अब हवा में उड़ना सीख गया और होता रहा तरक्की। धरती छोड़ो, इंसान ने चांद पे भी कदम जमा लिया। तकनीकी डेवलपमेंट के साथ साथ इंसान ने जिंदगी के नए नए ऊंचाइयों को छूने लगा। साइंस और टेक्नोलॉजी में विकास हुआ। समय तो बीतता गया, लेकिन इंसान धीरे धीरे बनते गया पैसा का गुलाम और जहर घोल दिया धरती का इस पवित्र वातावरण में। आज फिर से दुनिया के ऊपर मंडरा रहा है खतरा। खतरा का काले बादल छा चुका है। क्या हो जाएगा विनाश? आ जाएगा कायमत, कभी कोरोना वायरस तो कभी ग्लोबल वार्मिंग। ऐसा लग रहा है कि मानव सभ्यता आखिरी सांस ले रहा है। ये माना जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ पोलर आइस कैप्स पिघल रहा है और पोलर आइस पिघलने के साथ साथ जाग उठेगा और सारे जानलेवा वायरसेस जो कर सकते हैं पूरे मानव जाति को सफा चट। कोरोना की डर
तो कभी तूफान की कहर, कभी एस्टेरॉयड अटैक का शंका, तो कभी न्यूक्लियर युद्ध की धमकी। क्या यही अंत है? क्या यही है एपोकैलिप्स? कि फिर से जाग उठेगा जिंदगी, आएगा एक नया सूरज। मैं तो बस यही जानता हूँ कि माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब बटन दबाइए।